हेलो एंड वेलकम टू द टीजम क्लासेस, दिस इज संदीप भास्कर। बच्चों लोग चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि फेडरलिज्म से है। एंड क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि डिस्क्राइब द रैशनल बिहाइंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो हमें ये बताना है ना कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि इंडिया में जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है इसके पीछे का औचित्य क्या है, मतलब कि क्यों ऐसा जरूरत पड़ी कि हमें जो है ना इसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ा। जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया में क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, मान लेते कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना अपने पावर को किसके साथ में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयर करती है। ये रहे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट फर्दर इस पावर को पंचायत गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, ये जो है ना स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, या फिर अगर शहरी इलाका है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल से ये अपने पावर को शेयर करती है, या फिर पंचायत से, विलेज लेवल पे पंचायत से शेयर करती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि हमारे यहाँ ना पावर जो है इंडिया में किसी एक अथॉरिटी के पास, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास बिल्कुल जो है ना केंद्रित नहीं है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, इसका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, किसी एक के हाथ में ये केंद्रित नहीं है। तो इसके पीछे जो है हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे का औचित्य क्या है, क्यों ऐसा बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में सबसे पहले तो ये चीज समझते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। तो बच्चा लोग डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ना, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब पॉलिसी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने पॉलिसीज को एंड लेजिस्लेटिव पावर्स को, ठीक है, अपने लेजिस्लेटिव पावर को और अपने पॉलिसीज को जब स्टेट असेंबली से ऑटोनोमस बॉडी से एंड काउंसिल से, जो कि अपने पावर को जब शेयर करे, मतलब उसके पीछे शर्त क्या होना चाहिए कि ये सब जो है ना दे मस्ट बी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, मतलब इनका चुनाव होना चाहिए और पब्लिक इनको चुन के जब भेजती है वैसे के लोगों के साथ जाना, वैसे ऑटोनोमस बॉडीज हो गए, ठीक है, और क्या होता है काउंसिल्स हो गए, स्टेट असेंबली हो गए, उनके साथ जब पावर को शेयर करता है अपना स्टेट गवर्नमेंट। याद रहे एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये जो है ना डेमोक्रेटिकली, ये दे मतलब कि दे मस्ट बी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, ठीक है ना, दे मस्ट बी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। और उन सारे बॉडीज के साथ जब ये अपना पावर को, कौन सा पावर को, लेजिस्लेटिव पावर को और फिर पॉलिसीज को ना जब सेंट्रल गवर्नमेंट उनके साथ जो है ना उनको ट्रांसफर करती है, तो उस तरह की चीज को, उस तरह के पावर शेयरिंग को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी कि पावर का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो चलिए इसको जो है ना हम लोग कैसे इसको लिखेंगे कैसे, तो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन मींस द ट्रांसफर ऑफ पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑटोनोमस, पहला हो गया ऑटोनोमस लोअर लेवल असेंबलीज, मतलब कि क्या हो गया ना, ये स्टेट असेंबलीज की बात कही जा रही है यहाँ पे, एंड लोकल काउंसिल्स दैट हैव बीन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बाई देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब उनको जो है ना जब ट्रांसफर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जब अपने पावर को, अपने पॉलिसीज को, अपने लेजिस्लेटिव पावर्स को जब सेंट्रल गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऑटोनोमस लोअर लेवल असेंबलीज एंड लोकल काउंसिल के साथ जब शेयर करती है, तो उसको जो है ना हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे द रैशनल बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया एज फॉलो। तो पहला कारण क्या है, देखिए इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, फर्स्ट हम लोग पॉइंट क्या लिखेंगे, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। देखिए यहाँ पे कितने 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है ना, हेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनेबल टू एड्रेस द नीड्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज, मतलब इतना बड़ा कंट्री है जिसमें कि 28 स्टेट है, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो सारे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना सबके नीड्स के और ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ना क्या होता है ना, हमें पावर का डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2,
द लोकल गवर्नमेंट कैन रीडली अंडरस्टैंड द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द मासेस। अब जहाँ की सरकार हो, एक पर्टिकुलर स्टेट की अगर सरकार की बात करें, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी अन्य गवर्नमेंट से वो कहीं ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है कि वहाँ के लोगों का एस्पिरेशंस क्या है, डिमांड क्या है, मासेस का डिमांड क्या है और उनकी ज़रूरत क्या है। इस बात को ना वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो है ना बहुत अच्छे से समझ सकती है। तो इसलिए क्या होता है ना, अगर पावर एक हाथ में रहेगा, एक मुट्ठी में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, शायद उनके एस्पिरेशंस, उसके ग्रीवेंसेस को दूर नहीं किया जा सकेगा। तो इसीलिए क्या हुआ ना कि लोकल गवर्नमेंट के साथ ना पावर का शेयरिंग किया गया, यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत पड़ी। तीसरा पॉइंट है, द पॉलिटिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन रिलीव्स द बर्डन फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट, इट स्ट्रेंथन्स द डेमोक्रेसी। तो चलिए बच्चा लोग अब समझते हैं क्या कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है ना वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बर्डन को कैसे रिलीफ पहुंचाता है। तो देखिए बच्चा लोग, मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि ये एक छोटा सा गांव है किसी स्टेट का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, इस गांव में एक जरूरत है, मान लीजिए कि एक पॉन्ड की जरूरत हो या फिर समझ ले कि एक हैंड पाइप की जरूरत हो, तो यहाँ के लोकल लोग जो ना, जरूरत इनके लोकल लोगों की है और इनसे ज्यादा अच्छा कोई भी समझ नहीं सकता अपने जरूरत को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, अब इसको जो है ना तो इस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को समझ सकती है और ना इनके जरूरत को जो है ना वो इमिडिएटली स्टेट गवर्नमेंट समझ पाएगी। यहाँ के लिए कौन समझ, यहाँ की पंचायत जो है ना वो यहाँ के लिए ज्यादा अच्छे से इनके समस्या को समझ पाएगी। तो अगर ये डिसेंट्रलाइजेशन होता और पंचायत को यह अधिक अधिकार दे दिया गया है इसमें कि आप जो है ना गांव के भलाई के लिए, गांव के जरूरत के लिए अगर आप हैंड पाइप यहाँ लगवाते हैं, पॉन्ड खुलवाते हैं, पॉन्ड जो है ना उसका बनवाते हैं या फिर जो भी जरूरत अगर आप पूरा करते हैं, तो इससे क्या होता है ना, इससे बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरह से क्या होता है ना, प्रेशर से रिलीफ मिलता, मुक्ति मिलती है, ठीक है ना। तो ये है एक चीज। और जो कि अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, इट हेल्प्स वीमेन टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एज 1/3 ऑफ द पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन इन द लोकल बॉडी। अब देखिए ये जो इलेक्शन जो होता है ना, जो लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है ना, उस लोकल बॉडी में ना 50% यानी कि 1/3 सीट जो है ना, पोजीशन जो है ना 1/3 सीट जो है ना वो औरतों के लिए ना क्या किया गया है, रिजर्व कर दिया गया है। तो ये रिजर्व हो जाने से क्या फायदा हुआ है, इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि औरत जो है ना वो अपने डिसीजन मेकिंग में, अपने गांव को लेके, अपने पंचायत से रिलेटेड यानी कि जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, अब वो उस प्रोसेस में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये एक फायदा आया इस डिसेंट्रलाइजेशन से, ठीक है। तो इसलिए कि ताकि औरत भी पार्टिसिपेट कर सके पॉलिटिक्स में, इसके लिए इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है ना। अब देखिए पांचवा पॉइंट, इट हेल्प्स पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब अगर गांव में, अगर मैं बात करूं कि गांव में अगर ये एक अगर कल लगाना हो यानी कि हैंड पाइप अगर लगाना हो, तो गांव के लोग इस चीज को डिसीजन ले सकते हैं और पंचायत जो है ना उसको जो है ना, ग्राम पंचायत जो है ना उसको पूरा कर सकती है, ठीक है। तो इस पूरे एक्सरसाइज में, डिसीजन मेकिंग में कौन लोग शामिल है, इस डिसीजन मेकिंग में जो है ना बिल्कुल गांव के लोग जो है ना, भी पीपल जो है ना डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन से करने से हमें क्या पता चला कि डिसेंट्रलाइजेशन करने से सबसे पहला तो चला कि हमारे पास कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, 8 जो है ना यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इन सारे कंट्री के, इतने बड़े कंट्री के और इतने सारे स्टेट्स के एक सेंट्रल गवर्नमेंट ना सबके एस्पिरेशंस पे खड़े नहीं उतर सकती है, सारे लोगों के ग्रीवेंसेस को वो अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकती है। तो इसके लिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना अपने पावर को किसके साथ शेयर कर ली, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना अपने पावर को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर की। अब स्टेट गवर्नमेंट भी अगर एक गांव में कोई डेवलपमेंट होना है कि गांव में रोड बनना है, गांव में हैंड पाइप लगाना है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी ये चीज को समझ आना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उनसे ज्यादा कहीं अच्छा एक स्टेट गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा वहाँ के लोकल पीपल यानी कि वहाँ के ग्राम सभा जो है ना वो अच्छे से समझ सकती है,
कि क्या गांव की क्या जरूरत है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को किस चीज़ को अपने पावर को डिसेंट्रलाइज करना पड़ा, ठीक है, ताकि गांव के लोग को के नीड्स को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ ना, और एक और चीज इससे क्या हुआ कि एक और फायदा हुआ क्या कि वीमेन को इससे एक और चीज को फायदा मिलता है, एक और चीज के लिए इसको जो है ना जरूरत पड़ी है क्या कि औरत जो है ना वो डिसीजन मेकिंग में क्या हो पार्टिसिपेट ले, यानी कि 1/3 सीट्स को ना पोजीशन को ना वो क्या किया गया औरतों के लिए रिजर्व कर दिया गया है लोकल बॉडी इलेक्शन में। तो इससे क्या होता है ना कि अब औरत भी इसको जो है ना वो पॉलिटिकली अपने आप को जो है ना वो डिसेंट्रलाइजेशन से एक फायदा तो ये भी निकल के आया है कि औरतों के लिए ना सीट रिजर्व कर दिया गया 1/3, ठीक है। और इस 1/3 से क्या हो रहा ना औरतों का रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो पॉलिटिक्स में यानी कि लोकल बॉडी इलेक्शन में बढ़ गया है। और ये जो है ना इसके साथ साथ ना उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी वो पार्टिसिपेंट हो गई हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से एक ये भी इसके लिए जरूरत पड़ी है। तीसरा और लास्ट पॉइंट की बात करें, इट हेल्प्स पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से क्या हुआ ना, पावर को बिल्कुल डिसेंट्रलाइज होकर अब जब ग्राम सभा तक पावर आ जा रहा है, तो एक गांव में क्या बनना, एक गांव में अगर हैंडपंप लगाना है तो इसका जो है ना डिसीजन जो है ना गांव के लोग मिलकर आपस में कर लेते हैं और ग्राम पंचायत उसकी जरूरत को पूरा कर देती है। तो इस तरह से क्या होता है ना उस डिसीजन मेकिंग में गांव के लोग यानी कि कॉमन पीपल तक का डिसीजन का ना मेकिंग हो जाता है। और इन सारे एक्सरसाइज से क्या हो रहा है ना डेमोक्रेसी जो है ना वो स्ट्रेंथन हो रही है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का इस तरह से जरूरत पड़ी इंडिया में। थैंक यू बच्चा लोग।